हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो UGC के अकॉर्डिंग एक फेलोशिप है जो कि मोस्टली जो है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए ही है। तो ये इस फेलोशिप का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको ये जो नोटिफिकेशन आपको UGC.ac.in पर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको फेलोशिप सेक्शन में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको इस टाइप का जो नोटिफिकेशन और इसके साथ साथ जो डिफरेंट फेलोशिप है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो मोस्टली फेलोशिप है ये आपकी रहेगी सिर्फ गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी अपनी फैमिली में सिर्फ सिंगल गर्ल हैं, आपका कोई भाई नहीं है ना आपकी कोई बहन, अगर आप अपने फैमिली में सिर्फ सिंगल हैं तब आप इस फेलोशिप को जो है यूज़ कर सकते हैं अपनी PG डिग्री कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो फेलोशिप मिलेगा वो आपको PG डिग्री में इनरोल होने पड़ेगा, उसके बाद आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और तब आप जो है इस फेलोशिप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस फेलोशिप का, कि अगर कोई भी फैमिली में अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, यानी कि सिर्फ वो अकेली अपने घर में है, ना उसका भाई है ना कोई अदर बहन है, तो वो लोग इस फेलोशिप को यूज़ कर सकते हैं इन अ नॉन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव एक और है, टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ जर्मन और स्मॉल फैमिली नॉम, यानी कि ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि जिन फैमिली बहुत ही छोटी, यहाँ जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिर्फ सिंगल एक ही लड़का हो या एक ही लड़की हो, तो उस टाइप की फैमिली के लिए जो है इनका ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपनी घर में सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मतलब कोई भाई बहन नहीं है, तब आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है इस फेलोशिप का अगर आपको यूज़ करना है तो आपको नॉन प्रोफेशनल PG कोर्स में जो है वो एनरोल करना पड़ेगा, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं या किसी भी कॉलेज में कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी एलिजिबिलिटी आप एनी सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, तो यहाँ पर आपका जो है अकेला होना ही इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि आप अपने फैमिली में अगर आप अकेली लड़की हैं तब आप इस फैमिली इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करने पे एक इन्होंने एज लिमिट दे रखी है कि आप 30 इयर्स तक अगर किसी PG कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तब आपको ये फेलोशिप जो है अप टू 30 इयर्स तक जो है वो आपको मिल सकती है। अगर आप 29 इयर्स के भी हैं तब भी, अगर आपने PG डिग्री में अगर आपने इनरोल हुई है तब भी आप इस फेलोशिप को यूज़ कर सकते हो। तो एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है अप टू द एज ऑफ 30 इयर्स। ठीक है, अगर हम बात करें नेचर ऑफ असिस्टेंट की, तो यहाँ पे देखिए जो टोटल नंबर स्लॉट आते हैं हर साल वो है 1200, यानी 1200 लोगों को जो है ये स्कॉलरशिप दी जाती है हर ईयर में। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि आपको सबसे पहले एडमिशन लेना पड़ेगा PG कोर्स में, और आपके यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फी जो है वो चार्ज नहीं करी जाएगी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप का अमाउंट, तो वो आपको मिलेगा 2000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ओनली। तो आपको यहाँ पे 2000 पर मंथ दिए जाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी 2 ईयर्स तक आपको जो है 2000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो आपका दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके अलावा और कोई भी आपको यहाँ पे जो है ग्रांट नहीं दी जाएगी। अगर प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग का है, तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीसन इन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन विल सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच स्टूडेंट अवेलिंग द स्कीम। तो ये सब यूनिवर्सिटी वालों के लिए कि उन्हें अपना जो सब्जेक्ट ऑफ लाइक सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीसन सबमिट करना पड़ेगा आपके लिए, अगर आपने अपना कोर्स जो कम्प्लीट कर लिया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूट को दे हैव टू सबमिट देयर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ ईच स्टूडेंट अवेलिंग द स्कीम। तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो यूनिवर्सिटी सबमिट करेगी, उसके बाद ही आपका जो है नेक्स्ट ईयर का जो ग्रांट है वो रिलीज किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, यानी कि आपको फेलोशिप सिर्फ आपको 2 ईयर्स के लिए ही मिलेगी, जब तक आपका जो अपना PG कोर्स है वो आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट सेल्फ सबमिट एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ ईच स्टूडेंट अवेलिंग द स्कीम अलॉन्ग विद द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये काम जो यूनिवर्सिटी का रहेगा कि वो आपको वो आपका एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट और आपका जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करेगा हर साल। ठीक है, ताकि आपका नेक्स्ट साल का जो नेक्स्ट ईयर का जो ग्रांट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने कुछ कैंसिलेशन के पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं कि आपका जो फेलोशिप वो कैसे टर्मिनेट हो सकता है। तो मिसकंडक्ट ऑफ द अवार्डी पहला इसका जो रीजन है, दूसरा अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट इफ द कैंडिडेट स्कोर लेस देन 60% मार्क्स इन द फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपका जो फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स से कम आता है तो आपकी यहाँ पे फेलोशिप जो है वो टर्मिनेट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स बीइंग फाउंड इन एलिजिबल एट अ लेटर स्टेट
सेल्फ फेज द पेनल एक्शन एंड विल बी आल्सो बी लेबल टू रिफंड द एंटायर स्कॉलरशिप अमाउंट पे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आप जो है इनएलिजिबल हैं और आपको पाया गया कि आपने जो है वो गलत डेट डाल के तो है, या हम बोल सकते कुछ इनएलिजिबल वे से आपने फेलोशिप ली है, तो आपको यहाँ पे पूरा फेलोशिप जो है वो आपको रिफंड भी करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या आपको सबमिट करने हैं। तो आपको अपने एक एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ एडमिशन टू फर्स्ट ईयर मास्टर डिग्री कोर्स का आपको जो है प्रूफ लगाना पड़ेगा, जो कि आप एडमिट स्लिप भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको 50 रुपीज़ का एफिडेविट भी जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, और इट शुड बी अटेस्टेड बाई SDM या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या गजिस्ट्रेड ऑफिसर से। इसके अलावा सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट हैव टेकन एडमिशन टू फर्स्ट ईयर PG कोर्स। इसके अलावा आपने जहाँ पर भी एडमिशन लिया जिस भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर आपको जो है एक सर्टिफिकेट भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लगाना पड़ेगा एज अ प्रूफ कि आपने एडमिशन ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाई कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और UGC। तो ये जो है ये काम आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का रहेगा जो आपने जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो भी करना है जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर का प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो ये सारा जो यूनिवर्सिटी सेंड करेगी ताकि आपका नेक्स्ट ईयर का भी जो ग्रांट है वो रिलीज कर दिया जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।